अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर कमल आपकी खिदमत में आपका बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम हम न भूलेंगे तुम्हें लेकर ई आवाज़ पर आपकी खिदमत में हाजिर है। और एज़ यूज़ुअल हमारी बहुत ही अच्छी टीम जो कि आपके लिए बहुत मेहनत से इस प्रोग्राम को तैयार करती है वो सब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे इस साइड पे रूही फ़रूख जो कि हमारी फ़ीमेल लीड सिंगर, और इस तरफ हमारे इरफान बेग साहब हैं जो कि आप जानते हैं कितने अच्छे हैं, और कैसर राणा साहब एज़ यूजुअल जी इनकी जॉब वही कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल साउंड एंड रिकॉर्डिंग इंजीनियर एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर टू। बहुत शुक्रिया। और इन सब का साथ देते हैं आरिफ अहमद साहब तबले के ऊपर, और जैसे इन्होंने पिछले दफा कहा था आपके बगैर इनका काम नहीं हो सकता। इनके तबले के बगैर कोई गाना मुमकिन नहीं। exactly, नहीं, लेकिन आप लोगों की शमूलियत जरूरी है ना भाई, तभी तो तबला बजाऊंगा मैं। हाँ, ये बात तो है आपकी, बिल्कुल सही है। तो ऐसा है कि इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करवाऊँ, मैं आपको आज हमारे प्रोग्राम की 7th एपिसोड आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और जैसा कि ये प्रोग्राम हमारा 2019 का पहला प्रोग्राम है, सो आई वुड लाइक टू विश ऑल माई ऑडियंस एंड फ्रॉम माई टीम हैप्पी न्यू ईयर, और अल्लाह करे ये नया साल हम सब के लिए बहुत ही मुबारक साबित हो, सेहत तंदुरुस्ती और यू नो और सबके दिली ख्वाहिशात पूरी हों, और ना सिर्फ के पर्सनल लेवल पर बल्कि मैं दुआ करूँगी कि हमारे मुल्क के लिए भी ये नया साल बहुत मुबारक साबित हो, और जो चेंजेस वहाँ आ रही हैं अल्लाह करे वो सब बहुत ही पॉजिटिव हों, और हम सब वी कैन फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तो और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे टोरंटो बल्कि पूरे कनाडा में एक कोल्ड स्पेल फैली हुई है, तो एक्सट्रीम कोल्ड के बाहर निकलते हुए भी डर लगता है, और ऐसे वक्त में तो सिर्फ तभी निकला जाता है जब हमें कोई बहुत ज़रूरी काम करना हो, अदरवाइज़ तो आप फायरप्लेस चलाएं, कंबल ओढ़ें, सोफे पे बैठें और टीवी के सामने आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय करें, कप ऑफ टी ऑल्सो, एंड हम लोग आपके लिए बहुत गर्मा गर्म सा प्रोग्राम अब पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ, मेरा ख्याल है आज रूही हमें कोई बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनाने जा रही हैं, तो आपने हमारे ऑडियंस के लिए आज क्या चूज़ किया है जिससे कि वो बैठ के सर्दी में कोई इन्जॉय कर सके? पहला प्रोग्राम का गाना जो हमने मैंने चूज़ किया है वो मैडम नूरजहाँ का है, और उनके लातादाद बेइंतहा खूबसूरत गानों में से एक सदाबहार गाना ना छुड़ा सकोगे। अरे वाह। तो ये उनके उस वक्त का गाना है जब ज़रा नूरजहाँ फिल्मों में अदाकारी के बाद गुलकारी की तरफ आ गई थी, और सबिया खानम और नय्यर सुल्ताना इन सब उनके आवाज़। तो ये 1963 की मूवी है दामन, और इसमें सबिया खानम दामन तो बहुत पॉपुलर हाँ। थी वो फिल्म तो, और सबिया खानम तो उस वक्त की एक, और इसकी जो मौसीकी है जो ट्यून है और जो एक लय है वो इतनी बहुत ही रिदम वाली, रिदम वाली और खूबसूरत। तो खलील अहमद और हिमायत अली शाहिद की काविश है ये, और आप में से पता नहीं हम लोगों ने तो शायद सबिया खानम के उस ज़माने की मूवीज़ हमेशा बाद में देखी हैं, देखी हैं बहुत देखी हैं, बल्कि अभी मुझे हाल ही में पता चला और मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई, हैरत तो नहीं हुई, खुशी हुई कि माशाल्लाह वो सबिया खानम हयात हैं, अमेरिका में होती हैं, ये मुझे नहीं पता कि कहाँ होती हैं जी, बेटी के साथ। अच्छा, हयात है, बासयात है, ठीक है, और अल्लाह उनको सेहत दे और ज़िंदगी दे, और वो गालिबन US में किसी खत्ते में है, किसी इलाके में, लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं कि किस शहर में कहाँ है। मतलब अपने वक्त की 50-60s की वो सिल्वर एज बहुत खूबसूरत अदाकारा रही, और एक यू नो हर एक्ट्रेस का और एक्टर का एक इमेज होता है, उनका जो एक इमेज था दैट वाज सो डीसेंट एंड यू नो शी यूज्ड टू प्ले वेरी ग्रेसफुल। मैं तो हमेशा कहती हूँ उस जमाने की जो हमारी लीड एक्ट्रेसेस थी, शर्मिमारा हो गई, सबिया खानम है, दर्पण जेबा है, ये सब ग्रेसफुल खूबसूरत
सबिया खानम ने उनकी एक मूवी थी शिकवा, वो भी बड़ी मशहूर फिल्म, उसमें उन्होंने निगार अवार्ड्स भी लिए। अच्छा, और जाहिर है अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने, संतोष कुमार के साथ उन्होंने, जी मोस्टली इस तरह ज़ेबा ने मोहम्मद अली के साथ बहुत फिल्मों में काम किया, और नियर सुल्ताना ने मोस्टली दर्पण के साथ किया, जी यू नो इट वाज बहुत ही अच्छा उनका था ना। तो कौन सा वाला गाना सुनाएंगी? ना छुड़ा सकोगे दाम। अरे ना छुड़ा सकोगे दाम। मेरा ख्याल है कि इस गाने से तो सबिया बहुत पॉपुलर भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने इस पे बहुत अच्छा वो एक्ट किया था। मेरा ख्याल है ये जो दामन मूवी थी उस जमाने में समाजी और खानदानी जो इश्यूज को उस पर लेके मूवीज बना करती थी, और इसीलिए ज़्यादा जो घरेलू खवातीन मूवीज देखना चाहा करती थी उनके लिए वो मूवीज हुआ करती थी, ज़्यादातर हमारे घरानों से ताल्लुक रखती थी। तो मेरा ख्याल है मैंने ये मूवी ज़्यादा देखी तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी, यकीनन बहुत अच्छी। जी 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 जी, मैंने गाना सुना हुआ इसका, आई मीन दामन 63 हमने बचपन में देखी है अपने, जी बाद में ये टीवी में प्ले किया करते थे ये सब मूवीज, हमने तो पीटीवी पे जो मूवीज आया करती थी, सम ओल्ड फिल्म्स आर स्टिल कमिंग, जी बिल्कुल बिल्कुल, सम फ्यू चैनल्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट राइट, हो जाए फिर, चलिए भाई जी, बहुत जबरदस्त गाने, ना छुड़ा सकोगे दामन, ना छुड़ा सको, ठीक है। इस वक्त नाज़रीन जो ना दे आर ग्लू टू अवर टीवी एंड दे आर नॉट गोना गेट अप, सो बिकॉज़ इट्स सच अ यू नो नाइस सॉन्ग एंड
तो ऐसा है कि आगे बढ़ाती है अपने प्रोग्राम को. इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाह रही हूँ कि लास्ट प्रोग्राम में हमने आपसे कहा था कि आप हमसे फरमाइश भी कर सकते हैं अगर कोई गाना सुनना चाहें. तो इसी तरह से हमारे एक व्यूअर हैं लॉस एंजलस में, शमीम अहमद साहब, उन्होंने हमसे गाने की फरमाइश की है. तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में उनकी ये फरमाइश पूरी कर सकें. और उसके साथ साथ हमें आप लोगों ने फीडबैक भी दिया, जो कि एज़ यूजुअल हम हर दफ़ा कहते हैं कि हमने बहुत लाइक किया, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी बहुत हमें क्रिटिसिज्म भी की गई. एक पॉइंट उसमें था, वो हमारे बहुत अच्छे व्यूअर पाकिस्तान से खालिद चौधरी साहब हैं, उन्होंने हमें ये कहा कि एक्चुअली हमारे लास्ट प्रोग्राम का थोड़ा सा ड्यूरेशन शायद ज़्यादा भी था, तो उन्होंने हमें ये स्पेशली मेंशन किया कि ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि दीज डेज इट्स नॉट दैट दे डोंट लाइक द प्रोग्राम, दे वांट टू सी द प्रोग्राम, बट सम टाइम यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक दीज डेज एवरीबॉडी इज रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो दैट वॉज गुड पॉइंट, एंड वी रियली अप्रिशिएट योर इनपुट, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट. और उसके अलावा हमें नॉर्वे से हमारे एक और व्यूअर हैं इकबाल शरीफ, उन्होंने हमें जिस तरीके से ईमेल लिखी वी वर इम्प्रेस्ड. उन्होंने एक एक शख्स का नाम लिखा कि इस शख्स का ये उसमें अच्छा था, और हर सिंगर को उन्होंने एड्रेस किया, हर चीज़ को, और इतनी डिटेल में उन्होंने ईमेल लिखी कि मज़ा आ गया. तो इससे हमें पता चला कि आप वाकई चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को, मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि आपको एक एक शहर और एक एक जगह के साथ नाम भी याद है पूरे. दिस इज समथिंग अनयूजुअल, बिकॉज अगर कोई इतना टाइम निकालता है आपके लिए कि आपको फीडबैक देता है, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट. तो आई रियली लाइक्ड इट. इरफान के मुतल्लिक जी जी बहुत सब के बारे में उन्होंने. थैंक यू वेरी मच. मैं इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इतने इतने इनहमाक से और इतने दिलचस्पी से हमारे शो को न सिर्फ देखते हैं बल्कि उस पर कॉमेंट भी करते हैं. आमतौर पे लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं या ना पसंद करते हैं, लेकिन कॉमेंट नहीं करते या कोई फीडबैक नहीं देते, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम बड़ी बात है जो है उससे काफ़ी सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. जहाँ तक पिछले प्रोग्राम का कंवल ने तस्करा किया कि लेंथ ज़्यादा उसकी थी, हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करें और बातचीत को जो है महदूद रखें. लेकिन जो हमारा थीम है पुराने गानों का, और जो हम अपने पुराने फनकारों को याद कर रहे हैं, और इसी उनवान से ये प्रोग्राम चल रहा है कि हम न भूलेंगे तुम्हें, तो यकीनन हमें कुछ बातें उन लोगों की भी करनी है पड़ती जिन्होंने ये सब कुछ बनाया, क्रिएट किया. हम लोग सिर्फ उनको दोबारा उसको गा रहे हैं और आपकी मेमोरीज को जो है रिफ्रेश कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं भूलेंगे तुम्हें, हम कुछ रिमेम्बर करेंगे तो नहीं भूलेंगे ना. ठीक है. सो बहरहाल दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच. एंड आगे से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और लोग भी हमें इसी तरह का फीडबैक दें, बेशक ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव, नेगेटिव टू. तो मेरा ख्याल है कि आगे चलते हैं. नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ, आपने आज हमारे लिए क्या चूज़ किया और इतनी मेहनत करके आप लोग ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं, तो क्या है आज आपके उसमें? थैंक यू कंवल. जैसे कि मालूम है कि हम अपने पुराने फनकारों को याद कर रहे हैं. जी जी. मेरे जहन में मसरूर अनवर एक मशहूर हमारे शायर गुजरे हैं पाकिस्तान में, वो जहन में हैं, और दोनों गाने मैंने उन्हीं के जो हैं चूज़ किए हैं. वेरी गुड. मसरूर अनवर साहब जो हैं कराची में मुकीम रहे, फिर लाहौर में उनका 1996 में उनका इंतकाल हो गया. 1944 में शिमला से में पैदा हुए थे, और दायरे पार्टीशन के वक्त फिर पाकिस्तान आए थे, और शुरू में उन्होंने कुछ अरसा PIA में जॉब भी की. अच्छा. और फिर उसके बाद खुद ही छोड़ दी कि उनका रुझान शायरी की तरफ ज़्यादा था. बहुत ही अच्छे बेतहाशा फिल्में उन्होंने लिखी हैं, अरमान उनकी है, और जहाँ तक मुझे याद आता है हमारे बहुत सारे बहुत मकबूल और बहुत अच्छे कौमी नगमे उनके लिखे हैं. सोनी धरती है, जुग जुग की मिट्टी, वतन की मिट्टी गवार है ना, खूबसूरत नगमे उन्होंने बहुत जबरदस्त लिखे, और उनके अभी तक वो नगमात जो हैं, हाँ वो मशहूर हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुने जाते हैं, पॉपुलर हैं. जी जी जी. या बिल्कुल उसी तरह सुने जाते हैं, और वो उनके फिल्मी गाने भी उन्होंने बेतहाशा खूबसूरत लिखे. बाद में उनकी एक टीम जो वहीद मुराद, सोहेल साहब, सोहेल राणा साहब, इन सब के साथ बनी,
बेतहाशा खूबसूरत फिल्में प्रोड्यूस की, जिसमें अरमान एक फिल्म थी, उस फिल्म का ये गाना जो मैं पेश कर रहा हूँ, अहमद रुशदी साहब ने इसको गाया है और मैंने सिर्फ कोशिश की है कि मैं उसको निभा सकूँ और आपकी खिदमत में गाना पेश कर। बिल्कुल बिल्कुल। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ, जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ, इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून काम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ, इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून काम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ। सर रख के मेरे शाने पे भी एक गीत किसी ने गाया था, वो गीत मेरे जीवन भर की उम्मीदों का सरमाया था। अब प्यार की उलझी राहों में वो गीत मैं ढूंढता फिरता हूँ। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ, इनका भी कहीं मुझे जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ। साए की तलब करने वालों, दीवार से सर टकराओगे, मेरी तरह शहर की गलियों में तुम दीवाने कहलाओगे। मैं खुशियां ढूंढने निकला था, अब हर दम आहें भरता हूँ। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ, इनका भी कहीं मुझे जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून काम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं। वेरी नाइस, आप इसको निभाना कहते हैं तो आप ज्यादा करते हैं, आपको पता है ना कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है, आई डिड माई बेस्ट, क्योंकि जाहिर है जैसा मौसम चल रहा है और जो गलों की सबकी हालत है, बिल्कुल बिल्कुल, और अंडर विच सर्कमस्टांसिस एंड वी आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, वी आर रनिंग अराउंड डूइंग एवरीथिंग, इट्स नॉट इजी, तो जॉब्स के साथ काम के साथ ये सब कुछ करना, बिल्कुल, उसमें वोकल गाना जो है उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। अच्छा, उसके ये लिए गाना वैसे जो है ये इस पे वहीद मुराद पे मैं खेला पिक्चराइज हुआ, ये वहीद मुराद, हाँ, ये वो एज ए चॉकलेट हीरो जो है ना, वो ही और वो उनका उस वक्त उरूज का टाइम था, वहीद मुराद का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वहीद मुराद वाज वन एंड ओनली। ओके ओके, उनके बाद तो कोई कोई जगह तो कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं, इस गाने पे उनके बेटे भी, मैंने जब देखा कि भाई या ही इज इन पीटीवी ड्रामा, पाकिस्तान के ड्रामास में, लेकिन
वो बात मुझे जाहिर है, वो एक खास बात थी, वो एक दौर अलग था, उनका एक स्टाइल था, स्टाइल अलग था उनका, एक बड़ा नहीं, इस गाने पे मुझे याद है बहुत जबरदस्त उन्होंने वो जो उछल कूद करके डांस किया हुआ है, बहुत नहीं लेकिन इस गाने पे नहीं, ये तो बहुत ही सैड स्लो गाना है, वो गाना मेरे ख्यालों पे छाई है या कोको कोरिना पे, जाहिर है उसमें तो वो मशहूर थे अपने डांस में, लेकिन ये गाना जो है ये बड़ा सैड सॉन्ग था, तो जाहिर अरमान फिल्म का तो सारे गाने उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज थे, और सुहेल राणा साहब ने जी कंपोज किया था, खूबसूरत कंपोजिशन है, सुहेल राणा की भी जो कंपोजिशन है वो एक सदाबहार जी बिल्कुल बेहतरीन, और हमारे यानी जी जी बिल्कुल भाई उनका वो जो है आज जाने की जितना करो, मेरा ख्याल है कोई कोई एक आध गुलकार बचा होगा जिसने नहीं गाया होगा, आशा से लेके अच्छा काम, इतना खूबसूरत वो नगमा है, बिल्कुल 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 सदाबहार बिल्कुल जी, नहीं बहुत मज़ा आया, तो ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, और हम छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आपकी खिदमत में दोबारा पेश होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और आप ये हमारा प्रोग्राम हम न भूलेंगे तुम्हें ई आवाज़ टीवी चैनल पे देख रहे हैं, एंड I hope you are really enjoying our program and you are having good time. तो ऐसा ही कि हमारा आज का जो वो है mostly गानों में love और ये चीज़ें जो हैं वो उन्हीं को address किया जाता है, और ये एक इतनी अजीब controversial सी वो चीज़ है, जिसको ये प्यार मिल जाता है वो उसको for granted लेता है, और जिसको नहीं मिलता वो सारी उम्र यही सोचता है कि अगर ये मिल जाता तो क्या होता, तो कोई आहें भरता है, कोई हंस हंस के गाने गाता है, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ यू नो इंडिविजुअल बेस पे एवरीबॉडी एक्सपीरियंस इट। तो इसके हवाले से मैं आपको एक छोटी सी एक नज़म सुनाती हूँ, जो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो ऐसा है कि मेरे कुर्ब से मेरे वजूद तक, मेरे कुर्ब से मेरे वजूद तक उसे इख्तलाफ सदा का था, मेरे गम से मेरे जुनून तक, मेरे गम से मेरे जुनून तक ये फासला बस अना का था, मेरी जीस्त से मेरी सांस तक, मेरी जीस्त से मेरी सांस तक ये फलसफा फक्त दुआ का था, मेरी बात से तेरे जिक्र तक, मेरी बात से मेरी बात से तेरे जिक्र तक ये सिलसिला जो हवा का था, मेरी बात से तेरे जिक्र तक ये सिलसिला जो हवा का था, मेरी हकीकत से मेरे ख्वाब तक, मेरी हकीकत से मेरे ख्वाब तक वो बेखबर इंतहा का था, इंतहा इंतहा वाह बहुत अच्छा, मेरे वहम से मेरे गुमां तक, मेरे वहम से मेरे गुमां तक ये मरहला वफा का था, वेरी नाइस वेरी गुड, मेरी तलब से मेरे नसीब तक, मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मुआमला खुदा का था, शायद इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, तो मुझे ये पसंद बहुत था, तो मैंने कहा चले मैं अपने नाज़रीन से शेयर करती हूँ। तो और अब ऐसा है कि अगला गाना किससे सुने आप बताइए, चलें रूही से सुनें कि कैसे राना साहब से सुने। अब हम गाना एक मुजीब आलम की आवाज में, अच्छा बहुत ही खूबसूरत गाना, अच्छा जो हमने बड़ी मेहनत से राना साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया, राना साहब हमने बहुत मेहनत से राना साहब जो है ना, बात ये है कि होता ये है कि हम सब रुलाते हैं, राना साहब आके सबको हंसाते हैं, आपके गाने आपके गाने आपका गाना भी थोड़ा सा सीरियस था,
तो ये हमेशा जो ना जरा बीट वाले और जरा चुलबुला टाइप का। मैं आपको बता दूं, मैं अगला गाना जो गाऊंगा वो और भी सीरियस होगा। अरे नहीं, मैं तो आपको फिर बेहतर है कि फिर राणा साहब को पहले गवा दें, नैपकिन नैपकिन वगैरह है हाथ में, आपको राणा साहब चलेगा, राणा साहब वाइब्रेशन लेके आए। तो आप क्या सुनाएंगे आज हमें, बताइए। ये फिल्म अफसाना का गाना है, 1970 अच्छा मुराद की फिल्म आई। ओ वाह, वेरी गुड। My favorite वहीद मुराद अगेन। और उन्होंने एक गुड़िया को सामने रख के तो ये गाना अच्छा फिल्म में। ये मुजीब आलम, अच्छा मुजीब साहब, व्हाट अ ग्रेट सिंगर, ये एग्जैक्टली सुरत आवाज, ग्रेट सिंगर, बहुत ही अच्छे। और मैं एक बात बताऊं कि एक कुछ हमारे यहाँ ये भी होता है कि एक हीरो के ऊपर एक आवाज इतनी सूट करती है कि वो सिंगर जो है उस हीरो के साथ पहचाने जाने लगते हैं। हालांकि आमतौर पे वहीद मुराद के साथ अहमद रुश्दी और मुजीब आलम वगैरह का भी चल जाता है, जैसे मोहम्मद अली के साथ मेहंदी हसन का बहुत चलता है। वो एक ट्रेंड ये था कि जो सैड सॉन्ग्स हैं काइंड ऑफ, वो उसमें वो मेहंदी हसन खान साहब के गजल टाइप के जो है उसमें रुश्दी साहब का काम नहीं था, तो रुश्दी साहब को जरा चंचल और चलते हुए फास्ट वाले उनको दिए जाते, जहां मेहंदी हसन खास तो वो एक चॉइस म्यूजिक डायरेक्टर की होती थी। बिल्कुल, मुजीब आलम वाज अ वेरी वर्सेटाइल वेल ट्रेंड सिंगर, और क्लासिकल उन्होंने सीखी थी, ऑफ कोर्स क्लासिकल, वेल ट्रेंड का मतलब ये कि ही वाज क्लासिकली ट्रेंड। बिल्कुल, और वो दोनों तरह के गाने उन्होंने बहुत सारे नसार बज़मी साहब की मौसीकी में भी गाए, और ये गाना जो है गालिबन नाशाद ने, ये नाशाद नाशाद साहब ने कंपोज किया, और इनकी लिरिक्स थी तन्वीर नकवी, तन्वीर नकवी साहब ने लिखा है, और काफी मुश्किल बेस्ट सॉन्ग, और ये फास्ट गाना है। तो आप देखिएगा कि बहुत से गाने हैं वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, जी आलम का है जी जी, या और गाने बहुत से हैं। इज वेरी गुड सिंगर, या वेरी नाइस, वेरी गुड सिंगर, बहुत हमने ज्यादा मतलब वो ना रहे और उनका इंतकाल हो गया, जल्दी हो गया, यंग एज, लेकिन ये कि ही वाज जो भी उन्होंने काम किया बहुत अभी तक मेमोरेबल वो है। और तो मेरा ख्याल है कि अब एक गाना फिर उनका हो जाए, बिल्कुल जल्दी से सुनाएं। हां जल्दी से, जल्दी एक्सैक्टली, चलिए जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, यूं खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, उल्फत के दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से, ले आया है हमको शौक जहां, इस प्यार की रंगी मंजिल से, अब लौट के जाना मुश्किल है, हो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी से दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है,
यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। लेकिन राणा साहब डिड द गुड जॉब। और इसकी वो आप तीसरे अंतरे की आपने देखी शायरी, वो दरिया उल्टा चल सकता है और वो पानी में दिया पानी जा सकता है, मतलब सारे सारे नामुमकिनात जो हैं वो हो सकती हैं लेकिन उनको बुलाया नहीं जा सकता। दरिया ख्याल और आप वो काफी तनवीर नकवी साहब ने बिल्कुल कोशिश की, बिल्कुल गुड जॉब, बिल्कुल गुड जॉब राणा साहब, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी और ब्रेक लेते हैं, तो ठीक है नाज़रीन, हम अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारा वही प्रोग्राम हम न भूलेंगे तुम्हें ई आवाज़ टीवी चैनल पे देख रहे हैं और आप डेफिनेटली लुत्फंदोज हो रहे होंगे हमारे प्रोग्राम से। तो ऐसा है कि अब हम एक अगला नगमा जो है, मेरा ख्याल है कि रूही को पूछते हैं कि वो आज आपके लिए अगला नगमा कौन सा लेकर आई हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में नसीम बेगम का जिक्र किया था और उनका एक गाना निगाहें हो गई पूर्णम, अरे तो उसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला लोगों ने, क्योंकि नसीम बेगम के गाने वैसे भी बहुत कम सुनने को मिलते हैं और लोग उनको गाते भी कम हैं, तो मुझसे फरमाइश हुई कि अगले प्रोग्राम में भी आप नसीम बेगम का कोई गाना लेके आएँ। ये जो गाना है ए दिल किसी की याद में, एक तेरा सहारा से है, इनायत मास्टर इनायत हुसैन और कतील शफाई की काविश है, ये भी 1963 में रिलीज़ हुई मूवी। और इस गाने की खासियत ये है कि ये दो आवाज़ों में, उस ज़माने में ये रिवाज था दो चीज़ों का, एक तो ये कि एक एक ही गाना एक मेल एंड फीमेल, उसमें आप अकेले ना जाना जी, या जी, इतने जी, बहुत सारे गाने आप उनकी मिसाल ले सकते हैं। एक और भी रिवाज था कि दो सिचुएशंस के लिए एक ही गाना यूज़ होता था, एक अलमिया और एक तरबिया। अब जिनकी उर्दू कमज़ोर है उनके लिए सलीस उर्दू में बता दूँ कि तरबिया जो है उसको खुशी की कैफियत कहते हैं, लेकिन ये वो गाना नहीं है, ये एक ही तरह है डिफरेंट सिचुएशन लेकिन डिफरेंट सिंगर्स ने। तो जो इसका जो दूसरा वर्जन है वो सलीम रजा ने गाया, जो यकीनन लेट 50s और मिड 60s तक बड़े पाए के गुलकार थे, जमाने में सब थे मुजीब आलम और अहमद रुश्दी और इनकी भीड़ में वो ऐसा नहीं हुआ। सलीम रजा ने अपना बहुत काम किया है, बहुत जब मेहंदी हसन खान साहब ने एंट्री दी है तो फिर उसके बाद जाहिर है कि उनका वो फिर एक एज का भी तकाजा होता है, उम्र का भी तकाजा। दूसरे ये कि संतोष कुमार और दर्पण के साथ उनकी आवाज को लिया जाता था, तो जब उनका जवाल हुआ तो जाहिर है कि फिर वो हाँ मेहंदी हसन खान साहब वाज बेटर सिंगर सारी बात, लेकिन सलीम रजा की आवाज बहुत खूबसूरत थी, मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ, आज भी उनके गीत जी जी बिल्कुल। और ये ऐ दिल किसी की याद में ये जो वर्जन, उसमें सलीम रजा का जो गाया हुआ वर्जन है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ज्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, एक तेरा सहारा फिल्म थी गालिबन इसलिए, और ये शमी मारा दर्पण जी, शमी मारा दर्पण की ये फिल्म थी, और शमी मारा जो ना उस वक्त की वो वही उन पे सैड लुक वैसे इतनी वो बहुत नेचुरल उनकी वो जी जी खूबसूरत। चले रोही हो जाए फिर किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज भी कफन तेरी वफा
था प्यार क्यों, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। बहुत अच्छी क्या बात है, आप तो लग रहे हैं नसीम बेगम की, वो आपने ना इसीलिए लोग शायद आपको फरमाइश करते हैं नसीम बेगम की, या यू सिंग हर वेरी वेल राइट, हो सकता है लेकिन बस बहुत है कुछ सिंगर्स ये गाना ही बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। और वजह यही है इस प्रोग्राम की कि आप बिल्कुल पुरानी यादों में चले जाएं, बिल्कुल हो सकता है आपके जमाने का नहीं, हमारे जमाने के भी ये गाने नहीं है लेकिन हमने अपने बचपन में सुने हैं ये गाने और आज भी पॉपुलर है, लोग पसंद करते हैं। और नहीं, पूरे बचपन के दिनों में ये सब गाने बजते थे और यू नो मूवीज बाद में टीवी में आती रहीं, सो वी गॉट ए चांस टू वॉच, और इसीलिए रूही के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनको कोई भी गाना दे दो हाँ ये गा अच्छा गाती हैं, उसमें डूब के गाती हैं, यही मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैं कह रहा था कि जीटीए की ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, जी जी ऑफ कोर्स, बहुत शुक्रिया ये हमारे यहाँ पे सारे जीटीए के बेस्ट टैलेंट बैठा हुआ है जी, आप भी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, थैंक यू और टाइम दे रही है, मतलब घरेलू खातून हो के मतलब माशाल्लाह इतना टाइम निकालना, ये सबसे बड़ी बात है तो कर देना ही है, जाहिर है आप सब लोग जो हैं आप लोगों के डिफरेंट प्रोफेशंस अपने हैं और आप उन सब के साथ जो है ये इसको फॉलो करना, तो इरफान भाई भी जो है शौक की सारी बात, एग्जैक्टली यू नो जाहिर है शौक होता है तो वक्त निकालना पड़ता है, उससे बहुत सारी चीज़ें यानी फ्रस्ट्रेशन से आप दूर रहते हैं, आप बहुत सारी अच्छा एक वो काम आप जो करना चाहते हैं वो अगर आप कर रहे हैं, म्यूजिक इज अ थेरेपी मिलती है और म्यूजिक तो वैसे भी आप जी आपको वैसे ही रिलैक्स कर देता है। आपने एक चीज और नोट की होगी, हम सब पांचों में कितना कनेक्शन है जी, बिल्कुल एक दूसरे के लिए वी नो ईच अदर, कनेक्टेड विद ईच अदर, ऑलमोस्ट एक एज ग्रुप में हम लोग हैं, और अरे नहीं कैसी बात कर रहे हैं, एज को एज को मैंने कुछ डोंट से अबाउट द एज, हम लोग जैसे नंबर मेलोडी अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, जितने भी ना छुड़ा सको के दामन, इसकी मेलोडी आप देखें, सब शायरी उस वक्त के गाने मशहूर इसीलिए थे क्योंकि शायरी उनका म्यूजिक इतना खूबसूरत होता था। आपका क्या ख्याल है कि हमारे ज़हनों में क्यों अभी तक रचे बसे हुए हैं?
वो इसीलिए कि इन पे काफी टाइम लगा है, ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया ये। जी नहीं, आप देख ले वो गाना जो एक दिन में बनता है उसकी लाइफ भी एक ही दिन ही होती है। वो आजकल के गाने तो मुझे याद भी नहीं होते हैं। आप गा भी नहीं सकते आज के गाने। कंपोजिशन देखें आप। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त के जो भी फनकार थे वो फन के लिए करते थे, पैसे के लिए नहीं करते। उनका मतलब शोहरत या दौलत नहीं था, उनका मकसद सिर्फ फन की खिदमत करना थी और वो उन्होंने की है और उसमें मेहनत करते थे। मौसीकी के साथ उनके काउंटर पीसेस, उनके बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके साथ फिर शायरी जो है जी बिल्कुल, वो फिर जब सामने चीज आती है तो आज भी वो गाने मशहूर हैं। इवन आज भी इंडस्ट्री में हमारी हो या भारत की इंडस्ट्री हो, उसमें पुराने गानों को रीमिक्स करके लाया जाता है जो कि ये जो पुराने गाने हैं ये उस वक्त के हैं जबकि टेक्नोलॉजी वॉज नॉट दैट एडवांस्ड और इसीलिए इनको तो बल्कि और भी क्रेडिट जाता है कि उस वक्त उन लोगों ने इतने मुश्किल, उनकी रिकॉर्डिंग भी मुश्किल से होती थी और ये सब डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी तो बहुत उस वक्त मेहनत करके उन लोगों ने ये गाए और बहुत अच्छे गाए, उसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठता था। और आजकल तो ये जो रीमिक्स है आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट इशू। आई थिंक इट्स बिकमिंग अ बिग इशू। इतने खूबसूरत गानों को हम लोग बिगाड़ के जब पेश करते हैं तो असल गाना भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बात ये कि हम लोग फिर वही बात आ गई कि हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं और हम लोगों ने ओरिजिनल को सुना है, ओरिजिनल को एंजॉय किया हुआ है, इसलिए जो रीमिक्स है वो हमें हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो रीमिक्स को एंजॉय करती है। आज की जनरेशन को सिर्फ प्रेजेंट ही वही किया जा रहा है ना, उन्होंने वही सुना है। बिल्कुल हां, सही बात। थोड़ा सा जस्टिस करना चाहिए पुराने गाने के साथ, बिल्कुल ही उसको वो उसका हुलिया नहीं बिगाड़ देना चाहिए। बट बहरहाल बहुत से लोग एहतजाज भी करते हैं रिमिक्सेस पे। जी जी बिल्कुल, एक एग्जांपल है। नहीं खैर वो तो अब बहुत सारे हैं, एक तो अब बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि वो एहतजाज करना उनका हक बनता है, लेकिन बहुत से लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नई जनरेशन तो उसको एंजॉय कर रही है। बिल्कुल सही बात। तो क्या ख्याल है अब आपसे कुछ सुना जाए? जी बिल्कुल, मैं एक बहुत खूबसूरत मसरूर अनवर का लिखा हुआ गीत मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में और सायका फिल्म का ये गाना है, शमी मारा और मोहम्मद अली साहब और जमरुद इस फिल्म में थे। अच्छा। और मोहम्मद अली साहब पे ये गाना पिक्चराइज हुआ। एक और स्लो नंबर ज़रूर है लेकिन आई एम श्योर कि आप इंजॉय करेंगे। शायरी बहुत खूबसूरत है, मौसीकी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे निसार बज़मी साहब ने कंपोज किया है। जी इरफान, तो फिर शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। Thank you.
अपनी नफरत से मेरे प्यार का दामन भर दे, दिल गुस्ताख को नहरों में मोहब्बत कर दे, देख टूटा दिखरे नहीं महकी हुई यादों के कमल, अभी तकदीर के गुलशन में खिजां बाकी है, एक सितम और मेरी जान अभी जान जो मौसम के हालात चल रहे हैं, जो गले की कंडीशन है, फिर भी कोशिश की है, राणा साहब की मेहनत है, कोशिश नहीं है, कोशिश नहीं है, आप सब बहुत, बल्कि जहाँ तक मुझे याद है शफकत अली खान ने इसको भी, अमात अली ने इसको भी गाया दोबारा, तो उन्होंने रिवाइव किया है, ये गाना बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है और मेहंदी हसन खान साहब की आवाज में, और जाहिर है उनको पहुंचना तो मुश्किल है। इरफान ने कितना डूब के गया है, बहुत ज्यादा ही डूब के, बिल्कुल डुबकी लगा ली उसने। आप इसी गाने का कह रहे थे कि अभी सैड सॉन्ग प्रॉब्लम, हां बिल्कुल इसीलिए कह रहे थे, वो इतना सैड था कि वाकई आप सैड फील करने लगे, यू नो, सो इसका मतलब है कि इन्होंने गाया अच्छा। देखिए सैड सॉन्ग की जो लाइफ होती है ना वो ज्यादा होती है। आई थिंक इस ह्यूमन नेचर के हम अपनी फीलिंग्स को रिलेट करते हैं, कोई भी खुशी से को तो हर कोई एक्सप्रेस कर देता है। मदन मोहन ने ये बात कही थी। अच्छा, नो आई डिड नो दैट, बट मदन मोहन ने ये बात कही थी। ये ऐसा होता है कि फिर हम अपनी फीलिंग जो सैडनेस की होती है वो हम गानों के साथ रिलेट कर लेते हैं, और हर एक की कोई ना कोई सिचुएशन शायद रिलेट हो जाती है। तो नहीं, बहुत अच्छा आपने गाया, और खुशियां जो है वो ज्यादा साथ नहीं देती है, गम इंसान के साथ चलता है, बिल्कुल सही कहा, दूर तक चलता है। ये वजह है कि वो जो जो अफसरदा गाने हैं वो अट्रैक्ट करते कहीं ना कहीं, किसी ना किसी उसमें आपको टच करते हैं, फिट कर फिट हो जाते हैं। हम बहुत मशहूर हैं नाज़रीन के जो हमारा प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह कमल देखते हैं, हमारी तारीफ उठाते हैं, और हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप भी समझते हैं कि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, गा सकते हैं, हमसे रابطہ कीजिए, हमारे नंबर्स टेलीविजन पे हैं। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब शायद हमारे प्रोग्राम का वक्त भी काफ़ी मैखेला हो रहा है, क्योंकि वी डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस प्रोग्राम लाइक बिफोर, सो मेरा ख्याल है कि अब हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। उससे जाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर से वही बात कहूँगी जो हमने पहले कही थी कि वी वांट योर फीडबैक, एंड उसी की वजह से, और अगर आपको कोई लगता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई बेहतर चेंजेस आ रही हैं या समथिंग, सो यू कैन ऑलवेज टेल अस, एंड हमारे फरमाइश भी अगर आप कोई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है, जी आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं बस हम मैं ये आवाज़ टेलीविज़न नेटवर्क का और खास तौर पर आफ्राम ज़फ़र का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ हम इतने खूबसूरत पेश कर सकते हैं। Exactly, you know, यही बस, जी हाँ, ये ई आवाज़ पर अब ये प्रोग्राम देखते हैं। Especially, I would say, Zishan, who does all the videography and all our editing. He's very good, you know. He's very helpful, you know. He's behind the scene, but he does everything for us. And of course, Majid Jamal, Arfa Muzaffar, they are all, you know, they are all very kind to us. And then thank you so much, everyone, and we really appreciate. And don't forget to give us your feedback. And till next time, I think Khuda Hafiz, Allah Hafiz. Have a good time. Thank you very much. Thank you.